अगर हम नासिर उस्ताद साहब को लेंगे तो उन्हें दम से बात कर सकते हैं असेंबली के अंदर कहीं भी। जब भी घर को जाओ मैडम जो है नहीं बेंगलोर में है बोलते वापस करते हैं नासिर साहब इन्हीं टाइम हाजिर होने के चांस है। सुपर के अंदर जो है ना आपस में हम जो है ना ईमान वाले मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे के जो है ना जो खिलाफ होकर नाइतफाकी के साथ अगर इधर उधर बढ़ जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है। आपकी बात अलग है This video present by Mannur Multi Speciality Hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road Gulbarga अलग का मामला देखिए हिजाब का मामला देखिए कोविड के अंदर पुलिस का जुर्म देख लिए पुलिस की गिरफ्तारियां देख लिए छोटे मोटे मामला हलाल झटका देख लिए इस अलग का देखिए जेल गए तो खवातीन जेल गए तो देखिए ये सब मामला में किसी मामले में बात करेगा तो जो है ना इज्जत को दुनिया समझ के फिर रहे अपना काम कर रहे हैं। अच्छी वर्तमान जो है ना पूरी तरीके से अपने पास जो है ना एक नई अच्छा शक्ल है अपन जाहिर होना है इंशाल्लाह और गरीब का पूरा ख्याल करते हैं जो है ना इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे बाकी अच्छीों का गरीबों का सबका ख्याल करते हैं आगे बढ़ेंगे आपके साथ में से जिधर ट्रैफिक है उधर सर्विस रोड नहीं है जिधर ट्रैफिक नहीं है उधर सर्विस रोड और जितने गुड्स हेवी व्हीकल्स है हरगे चौक से अलन चौरस्ते तक टोटली सर्विस रोड भैया का उससे भी थोड़ा देखते हुए कैसा करता है क्या करता है क्या नहीं गरीबों में रहें कि करता है नहीं करता है क्या करता है क्या देख लेते हैं अच्छा काम करना बस है कोई मैडम के पास नहीं जा सकते नहीं जाती नासिर उस्ताद साहब भी ऐसी मदद करने वाले हैं आवाज इलेक्शन आप लोगों का है तो मतलब नॉर्थ में जो हालात चल रहे हैं हमारे बीच नए नए कानून जो लेके आ रही है बीजेपी आ रही है हमको यहाँ पे मजबूत है तो ज़रूरी है तो आप लोग डिसाइड करना है इलेक्शन से पहले जो घर घर डोर टू डोर जो लोगों को मिलने का जो आज 21 दिन हो गया था निकल गए तो आवाम को मालूम होना कि आपके खेत आवाम की तरफ से बोलिए बीजेपी के नाम पे कांग्रेस डरा कि आपके बीच बड़े बड़े लीडर आके कारपेट रहा कि आपके माइंड करते मैडम आए तो अच्छा है वहाँ आए तो अच्छा है नासिर उस्ताद साहब वोट डाले तो उन्होंने भी आ सकते ना उन्होंने भी जीतते ना उन्होंने क्यों नहीं जीतना इतने साल 40-45 साल आप बीजेपी के नाम पे डरा कि हमको यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं 5 साल जब यहाँ पावर में रहते हुए भी एमएलए आज बीजेपी चंदू पाटिल यहाँ पे हुकूमत चला रहा पूरे कारपोरेशन ऑफिसरों को उन्होंने बात कर रहा उसके कब्जे में बात कर रहा तो इस बार आप लोग थोड़ा दिल से मजबूती से आप लोगों का इलेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो भाई कांग्रेस और बीजेपी का जो कुछ भी जो है ना हाल हकीकत है उनके जो काले कारनामे हैं वो इंसान के जो है ना कोशिश के बगैर अल्लाह ताला खुद दुनिया पे जाहिर कर दिया। आज पूरी दुनिया में जो है ना कांग्रेस और बीजेपी का हाल मालूम है और उनकी बदनामगी और उनकी शर्मिंदगी सारी दुनिया में इस वक्त हो रही है मौजूद है हालात। इसलिए गुलबर्गे के अंदर जो है ना आपस में हम जो है ना ईमान वाले मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे के जो है ना खिलाफ होकर नाइतफाकी के साथ अगर इधर उधर बढ़ जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है। लिहाजा हमको चाहिए कि एक जो ईमानदार हमारे साथ कैंडिडेट इस वक्त ये जो जेडीएस के हमारे नासिर उस्ताद जो कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त जो है ना हमारे दरमियान में गौर गरीब का और बेकसूर लोगों को जो पकड़ के जेलों में डाले उनके हमदर्द बन के उनके जो है ना जमानतों का इंतज़ाम करके उन्होंने जो है ना हमारे को साथ दे रहे हैं। लिहाजा हम तमाम गुलबर्गे वालों को इस वक्त ये सोचना है कि हमें जो है ना नासिर उस्ताद को जिताकर ये कांग्रेस और बीजेपी के काले करतूत और बेमानों का मुँह तोड़ जवाब दें और उसके बाद इनसे जो है ना जिता के इनसे जो है ना 5 साल तक हम क्या काम लेना है इनको से काम लेंगे इनको आजमा के देखेंगे। 70-75 साल से हम कांग्रेस को आजमाएं और बीजेपी को आजमाएं सबको देख लिए और सब लोग मिलके हमारे को जो है ना कांग्रेस बीजेपी मुसलमानों को कंगाल कर दिया और रोड पे ला ली क्या अब इसका साथ छोड़ना है और हमारे को जो है ना जेडीएस का साथ देके
नासिर उस्ताद को कामयाब करना है और उनसे जो है ना हमको काम लेना है, एक नए आगाज के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ जो है ना हमारे को आगे बढ़ना है और हमको जो है ना तरक्की की राह पे चलना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सब मर्द और औरतें जो भी हैं मिलकर जो है ना नासिर उस्ताद को जीतेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे और कामयाब कर कर हम उनसे जो है ना हमारे मसाइल को हल करेंगे। मैं नासिर उस्ताद साहब को तहे दिल से मेरे पूरा वार्ड नंबर 28 सबको बोला, मैं नासिर उस्ताद को वोट डालो, तहे दिल से उन्होंने वोट डालने वाले हैं। इंशाल्लाह नासिर उस्ताद उन्होंने हमारे हर जज्बात को हर चीज़ को लाइक करने वाले इंसान हैं, उन्होंने हर मुसलमान को पहचानने वाले हैं, हर दर्द को देखने वाले हैं, हर सुख दुख को, हर गरीब बच्चे को क्या भी होना तो मसला को आपको ठहरने वाले हैं इंसान, उनको हम वोट देना है ज़रूरी है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आम वोटर्स को भी मेरे दिल से मेहरबानी कर को दे रहा हूँ कि GDS को वोट करो मेरे तरफ से। आज़ादपुर और मैनेजिंग डायरेक्टर के HS से बात कर रहा हूँ। तकरीबन 21 आज 21वां दिन है, हर एरिया में इलेक्शन की कैंपिंग चल रही है। आज नासिर उस्ताद साहब आज़ादपुर रोड पे आज कैंपिंग के लिए निकले थे, मेरे ब्लड बैंक के पास आना हुआ और तकरीबन यहाँ के आज़ादपुर रोड के लोगों को देखा कि नासिर उस्ताद साहब को लेकर बहुत एक सपोर्ट मिल रहा है और इंशाल्लाह सपोर्ट मिलना भी चाहिए। एक ऐसे डायनेमिक लीडर की आप गुलबर्गा के आवाम को बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम लोग सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम हमारा साथ रहेंगे नासिर उस्ताद साहब के साथ और ऐसे लीडर की गुलबर्गा को सख्त ज़रूरत है। आप लोगों से एक आवाम से अपील करता हूँ कि हम लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे और नासिर उस्ताद को इंशाल्लाह आपके गुलबर्गा में इंशाल्लाह MLA जिताएँगे इंशाल्लाह। अब हमारे हिसाब से नासिर उस्ताद एक काबिल लीडर है, काबिल लीडर है, क्यों वो खमर साहब के अपोजिट भी उन्होंने जो है ना फेस करे हुए हैं खमर साहब को भी, इसके बाद मैडम को भी करे, थोड़े से थोड़े में रह गए। अब फिलहाल खमर साहब की जो है ना अफाद हो गई, अब उसकी कमी कोई पूरी कर सकते हैं तो वो नासिर उस्ताद है। हमारे हिसाब से नासिर उस्ताद ये सियासत के अंदर उन्होंने काबिल हैं, उनको ही जो है ना पूरे गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर लेंगे तो गुलबर्गा नॉर्थ का भला होगा, नहीं तो आप जो फिलहाल हालात चल रहे हैं इसको जो है ना अगर हम वोट चाहे कांग्रेस को डालेंगे चाहे हम कोई भी दूसरा पार्टी MIM है जैसे SDPI फिलहाल है नहीं है मालूम नहीं, अगर हम डालेंगे तो वो तो हमारे फजूल है वेट। अगर हम नासिर उस्ताद साहब को लेंगे तो उन्होंने दम से बात कर सकते हैं असेंबली के अंदर कहीं भी, नासिर उस्ताद साहब काबिल आदमी है हमारे से। इसके बाद नासिर साहब को जिता के लाने के लिए बहुत बड़ी जो है जुस्तजू कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके बाद नासिर साहब को इस किसी भी हालत में निकालने की कोशिश करेंगे। काबिलियत क्या है बोले तो नासिर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो हर आदमी की दिल की बात सुनने वाले हैं, हर इंसान की दिल की बात सुनने वाले हैं। हम मैडम के पास गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, कभी घर को जो मैडम जो है नहीं बेंगलोर में है बोल को वापस करते हैं, नासिर साहब इन्हीं टाइम हाजिर होने के चांस हैं, इसलिए हम नासिर साहब को चाह के और हर फैमिली के हर घर में महीने में हर इंसान को जो है ना ये देंगे, हम मशवरा ये देंगे कि नासिर साहब को वोट डालें।